क्यों जनरेशन अल्फा के बच्चे इतने ज्यादा स्क्रीन के अडिक्ट होते जा रहे हैं। बच्चों के लिए मोबाइल अब सिर्फ टाइम पास का साधन नहीं है बल्कि बीमारियां बांटने वाला उपकरण भी। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से ये युवक बेहोशी के हालत में भी गेम्स खेलते हुए नजर आ रहा है। एक नई स्टडी दिखाती है कि बहुत देर तक स्क्रीन देखने से माता पिता और बच्चों के बीच कम्युनिकेशन गैप पैदा हो रहा है। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ ये बच्चे बोलना सीखने से पहले स्क्रीन पे स्वाइप करना सीख रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि ये स्क्रीन्स इतनी अट्रैक्टिव क्यों बन गई है, क्या कारण है इस अट्रैक्शन के पीछे। जनरेशन अल्फा यानी वो बच्चे जो 2010 से लेकर 2025 तक पैदा होने वाले हैं और इनकी पॉपुलेशन अराउंड 2 बिलियन होने वाली है जो कि अब तक की सबसे बड़ी जनरेशन होगी। ये पहली ऐसी जनरेशन है जो एंटायरली 21st सेंचुरी में जन्म ले रही है। तो ये टेक्नोलॉजी और डिजिटल डिवाइसेस के साथ ग्रो हो रहे हैं जिससे इनमें स्क्रीन एडिक्शन की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और कुछ देशों में इसका इफेक्ट बहुत डरावना है। इंडिया और चाइना की रैंक ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक में टॉप पर आ गई है। जहां पूरी दुनिया से 50% इंटरनेट ट्रैफिक है वहीं इन दो देशों से 50% टोटल ट्रैफिक आ रहा है। और इसमें शॉकिंग चीज़ ये है कि ये हुआ है पिछले 10 सालों में। इससे पहले ये आंकड़ा था 12% जिसमें इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन था बस 2%। और इसकी वजह से बहुत से निगेटिव इफेक्ट्स हो रहे हैं। चाइना में तो सबसे बुरा हाल है जहाँ चाइना पहला ऐसा देश बन गया है जिसने इंटरनेट एडिक्शन को क्लिनिकल डिसऑर्डर के रूप में देखते हुए चाइना का हेल्थ क्राइसिस डिक्लेयर किया है। China is the first country in the world to declare internet as an addiction. और इन्होंने इंटरनेट एडिक्ट्स को ट्रीट करने के लिए रिहैब सेंटर्स भी बनाए हैं जहाँ माँ बाप बच्चों को ट्रिक करके वहाँ भेज रहे हैं ताकि उनकी इंटरनेट एडिक्शन की लत को छुड़ाया जाए। और इसका सबसे बड़ा रीजन बताया जा रहा है ज्यादा स्क्रीन यूज। कितना टाइम? कॉमन सेंस मीडिया की इस रिपोर्ट के अनुसार 2 साल से कम के बच्चे अराउंड 49 मिनट स्पेंड कर रहे हैं स्क्रीन्स के सामने, 2 से 4 साल के बच्चे अराउंड 2 hours 30 minutes और 5 से 8 साल के बच्चे 3 hours से ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं। अब स्क्रीन टाइम हमेशा से था जहाँ बच्चे टीवीज देखते थे, वीडियो गेम्स खेलते थे, लेकिन अब ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसके पीछे है सोशल मीडिया कंपनीज। जैसे अभी रिसेंटली फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की पैरेंट कंपनी मेटा के ऊपर 40 स्टेट्स से कंप्लेंट दर्ज कराई गई है ऐसे फीचर्स डेवलप करने के लिए जिससे बच्चों की मेंटल हेल्थ पर असर पड़ रहा है। अब जब हमने इस वीडियो के लिए रिसर्च करी तो उस टाइम पे एक्सपर्ट्स, पेरेंट्स और किड्स के इंटरव्यूज भी देखे हैं और कुछ बुक्स भी पढ़ी है, उसके बारे में भी हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ हैंड। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट स्वाति छाबरा का कहना है इनके पास आए हुए बच्चों में कुछ ऐसे भी 6 से 7 साल के बच्चे हैं जो ठीक से आई कांटेक्ट नहीं बना पा रहे और जो हमारी नेचुरल एक्सेंट होती है उसमें बात भी नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि ये ट्राई करते हैं जो ये स्क्रीन पे देख रहे हैं उसी को मिमिक करने की। और इनमें से कुछ बच्चों को तो ऑटिज्म से डायग्नोस करा जा रहा है। ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट को सीखने में, इंटरैक्ट करने में, बिहेव करने में प्रॉब्लम्स आती है और कुछ स्टडीज के हिसाब से ज्यादा स्क्रीन टाइम से ऑटिज्म में होने वाले सिम्टम्स इन बच्चों में भी पाए जा रहे हैं। जामा पाइडियाट्रिक्स के एक सर्वे के अनुसार 1997 में 2 साल से कम के बच्चों का स्क्रीन टाइम था अराउंड 1 hour 30 minutes, वही 3 से 5 साल के बच्चों का ये था 2.5 hours, जिसमें ज्यादातर था टीवी। और फिर इन्होंने 2014 में फिर से सर्वे करा, उस टाइम पे इन्होंने देखा कि 2 साल से कम के बच्चों में ये टाइम बढ़कर हुआ है 3 hours और 3 से 5 साल के बच्चों में अराउंड सेम ही है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ नया हो गया है या पहले स्क्रीन टाइम नहीं था, लेकिन डिजिटल स्क्रीन का इम्पैक्ट और भी ज्यादा है। कितना ज्यादा, इसको समझने के लिए ये गेम देखिए। वॉशिंगटन के एक हॉस्पिटल में 2 doctors ने मिलकर एक वर्चुअल रियलिटी गेम बनाया है स्नोबॉल। दिस इज नो ऑर्डिनरी वीडियो गेम, दिस इज स्नो वर्ल्ड, a virtual reality game that helps manage the pain of burn patients while they undergo wound care. ये गेम इतना इमर्सिव है कि पेशेंट को इससे पेन ही फील नहीं होता। इस हॉस्पिटल के अंदर एक टीनेजर को एडमिट करा गया था जिसकी बॉडी 25% से ज्यादा बर्निंग की वजह से अफेक्ट हुई थी, तो सोचिए उसका पेन कितना ज्यादा हो रहा होगा। लेकिन जब डॉक्टर ने इसके टाके निकाले उसके बाद भी इसको पूरी प्रोसीजर होने के बाद तक पता ही नहीं चला कि ट्रीटमेंट हो गया। We do have some patients that
will go in the virtual world and they'll be totally oblivious that the nurses are working on them. And they'll finish up and they'll come out of Snow World and they say, have you started yet? और शॉकिंग चीज ये है कि ये गेम इतना इमर्सिव है कि गेम खेलने से पेशेंट का ब्रेन फोकस करता है वर्चुअल एनवायरनमेंट में, जहां उसका फोकस होता है स्नोबॉल्स को थ्रो करना गेम में, और ब्रेन पेन को प्रायोरिटाइज नहीं करता। तो जिस पेन को मैनेज करने के लिए हाई डोजेस ऑफ पेन किलर्स लगते हैं, सेडेटिव ड्रग्स लगते हैं, उनकी जरूरत नहीं पड़ रही है इस गेम की वजह से, इतने इमर्सिव ये स्क्रीन्स है। तो जब स्क्रीन का इतना पावरफुल इफेक्ट्स अडल्ट पे हो रहा है, तो सोचिए ये छोटे बच्चों पर क्या असर डाल रहा होगा। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से ग्रो हो रही है और कंपनीज भी उतनी ही स्पीड से इसका फायदा उठाकर यूजर्स के ब्रेन को समझकर उसको एक्सप्लॉइट करती है, फिर उसके लिए चाहे उन्हें न्यूरो साइंटिस्ट को हायर करना पड़े या बच्चों को टारगेट करना पड़े। अब सवाल ये आता है कि कंपनीज ये कैसे करती है। Why they are more hooked than ever. Rise in teen depression over time, it coincides with the rise of smartphones and the rise of social media. Social Dilemma एक documentary बनाई गई है। This is checkmate on humanity. जिसमें Facebook के एक employee ने बताया कि जब user platform से दूर जाता है, तो Facebook notifications को change करता है और ऐसी notifications भेजता है, जिससे वो users उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करे और ज्यादा टाइम स्पेंड करे। और यही नहीं, इनका पूरा नेटवर्क है, ये एक स्टार्टअप है डोपामिन लैब्स लॉस एंजेलिस में, जिसे बनाया गया है दो न्यूरो साइंटिस्ट के द्वारा। So my name is Dr. Dalton Combs and I have a PhD in neuroeconomics from USC and here at Dopamine we help make apps more addictive. और अब ये ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसमें ये कंपनीज को हेल्प करते हैं उनके प्रोडक्ट्स को, ऐप को ज़्यादा टाइम यूज़ करने के लिए, यानी यूजर्स को कैसे ऐप्स पे हुक्ड रखना है। अब इनका मोस्टली वर्क होता है ब्रेन और ब्रेन के रिवॉर्ड फंक्शन में, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डोपामीन। डोपामीन इज द करेंसी ऑफ प्लेजर एंड इट्स आल्सो द करेंसी ऑफ वांटिंग, सो थिंग्स दैट फील गुड, थिंग्स दैट आर रिवॉर्डिंग और वर रिवॉर्डिंग इन द पास्ट आर गोइंग टू मोटिवेट यू टू सीक देम आउट इन द फ्यूचर। अब डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे हमें लाइफ में जो एंजॉयबल लगता है उसे हम रिपीटेड करते हैं। अब प्रॉब्लम शुरू होती है इसके एक फ्लॉ से। एनीथिंग दैट इज रियली इजी फॉर अस टू गेट प्लेजर फ्रॉम इज गोना हैव अ डिमिनिशिंग रिटर्न। मान लीजिए अगर कोई एक महीने तक डेली एक सिगरेट पी रहा है जिससे उसे अच्छा फील होता है, लेकिन अब अगले महीने जब वो एक ही सिगरेट पिएगा तो वो उसे सेम फील नहीं होगा, क्योंकि उसका जो डोपामाइन स्पाइक है वो उतना नहीं होगा, जिसकी वजह से वो अगले महीने दो सिगरेट पिएगा, दो सिगरेट से उसको फिर से उतना डोपामाइन स्पाइक मिलेगा। जब अगले महीने वो दो ही पिएगा तो फिर से वही होगा, उसे कम फील होगा, उसे लगेगा ये कम हो रहा है, तो वो अगले महीने तीन पिएगा। ये ऐसे ही बढ़ते जाता है। अब जितना ज़्यादा डोपामीन हमें इजी एक्टिविटी से मिलता है, जिसमें रील्स देखना हो गया, फनी कंटेंट देखना हो गया, या कार्टून्स की वीडियोस हो गई जिसमें कोई एफर्ट की जरूरत नहीं है, उसका डिमिनिशिंग इफेक्ट उतना ज़्यादा होता है, जिससे हम कॉन्स्टेंटली हुक्ड पे रहते हैं। और अब इसका यूज़ करके कंपनीज कॉन्टेंट को बच्चों के हिसाब से बनाती है। क्यों? क्योंकि डिलेट के एक रिसेंट सर्वे के अनुसार बच्चों की परचेसिंग पावर बढ़ी है। अब 87 पेरेंट्स ऐसे हैं जो परचेसिंग डिसीजन बच्चों के कहने पे लेते हैं। और अब कंटेंट की कमी तो बिल्कुल नहीं है। अगर हम सिर्फ एक YouTube की बात करें तो एक दिन के अंदर 7,20,000 आवर्स का कंटेंट YouTube पे अपलोड होता है। मतलब एक दिन में अपलोड हुआ हुआ कॉन्टेंट हमें देखने के लिए 82 ईयर्स लगेंगे अगर हम नॉन स्टॉप देखते हैं तो। और इन सब का कंजम्पशन बढ़ा है कोविड से, जब सबको डिजिटल होना कंपलसरी हो गया था। बाय फोर्स ही सही, लेकिन सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए डिजिटल डिवाइसेस की अरेंजमेंट करनी पड़ी। कोरोना वायरस ने पूरे परिवार को मोबाइल की आदत लगा दी। कोरोना में बाहर तो निकल नहीं सकते हैं, तो करेंगे क्या, या तो टीवी देखो या फ़ोन पे गेम खेलो, वही है। सो फ़ोन का यूसेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया घर के अंदर। लेकिन कम एज में ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करना हेल्दी बिल्कुल नहीं है। जहाँ एक तरफ टेक्नोलॉजी ने बच्चों की ज़िंदगी को एक नए तरीके से बदल दिया, वही दूसरी तरफ इसके काफ़ी नुकसान भी सामने आए हैं। ये समस्या सिर्फ एक घर की या एक स्कूल की नहीं है, ये एक ग्लोबल चैलेंज है जिसका समाधान हर किसी को मिलकर तलाशना होगा।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिकन अकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स के तरफ से क्लियर गाइडलाइंस है कि जब तक बच्चे 18 महीने के नहीं हो जाते तब तक उन्हें स्क्रीन से दूर रखा जाए। बस अगर किसी फैमिली मेंबर के साथ वीडियो कॉल करनी है तो बस उतना ही, और 18 महीने के बाद हाई क्वालिटी कॉन्टेंट अपने साथ बैठकर उन्हें दिखाना स्टार्ट कर सकते हैं। कभी कभार 2 से 5 साल के बच्चों को कुछ कुछ सिखाना भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप उन्हें स्क्रीन पे सिखा रहे हो जिसमें पोएम्स हो गया या बेसिक वर्ड्स हो गए या बेसिक मैथ का कुछ बता रहे हो या कुछ भी एजुकेशनल होता है तो वो स्क्रीन टाइम में नहीं आएगा। स्क्रीन टाइम में बस वही चीज़ें कैलकुलेट करी जाएगी जो नॉन एजुकेशनल कंटेंट है, जैसे कार्टून देखना हो गया, कोई फनी कंटेंट देखना हो गया या कुछ और भी जो ये अपने मन से देख रहे हैं, उसको लिमिट करना है 1 आवर तक डेली। अब इस एज के बाद कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है कि कितना टाइम यूज़ करना चाहिए। अभी रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश करी गई जहां उन्होंने स्टडी करा स्क्रीन टाइम और मेंटल हेल्थ के ऊपर। तो इसमें उन्होंने फाइंड करा कि हम कितना टाइम स्क्रीन देख रहे हैं उससे ज़्यादा मैटर करता है कि हम स्क्रीन पे क्या देख रहे हैं। तो स्क्रीन टाइम में क्वालिटी कंटेंट मैटर करता है। अब ये कंटेंट हर किसी के लिए अलग होगा। जैसे मैं ट्राई करता हूँ उस कंटेंट को ज़्यादा देखूँ जिस फील्ड के अंदर मैं काम करता हूँ, जैसे अभी एडिटिंग ट्यूटोरियल्स हो गया, प्रीमियर सीखना हो गया, आफ्टर इफेक्ट्स में हो गया, रिसर्च हो गया, स्टोरी हो गया, ये सब चीज़ें। अब डोपामिन के डिमिनिशिंग इफेक्ट के बारे में हमने वीडियो के शुरुआत में बात करी थी कि कैसे लो एफर्ट वाली एक्टिविटी से डोपामिन की लेवल मेंटेन नहीं रहती जिससे हम एक के बाद एक और चेस करते हैं। लेकिन अगर हमारी बॉडी में डोपामिन का लेवल मेंटेन रहता है तो हमें लो फील नहीं होता और फिर से दूसरी चेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि हम ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें एफर्ट लगता है और जो हमें लाइफ में प्रोग्रेस करने में हेल्प करता है, उससे जो डोपामिन रिलीज होता है उसका डिमिनिशिंग इफेक्ट नहीं होता। The new research shows that if you want to overcome the sense of dopamine deficit that we're all facing, you want to feel a sense of reward through doing something hard instead of easy. जैसे हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जो लाइफ में स्किल सीखना चाहते हैं उसमें डेली का थोड़ा थोड़ा एफर्ट करते हैं, ऐसी चीजें बच्चों के लिए जैसे कोई गेम हो सकता है जिसमें फिजिकल मूवमेंट्स करने की जरूरत पड़ती है, लेगो गेम्स हो सकते हैं जिसमें बच्चे नए नए तरीके से क्रिएटिवली कुछ बना सकते हैं। जब वो पढ़ना सीख जाए या उन्हें इंटरेस्ट आना शुरू हो तब जो भी चीज़ें में आपको और बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है वो चीज़ें पढ़ सकते हैं। और अल्टीमेटली ये बच्चे के बिहेवियर पर और उनके केयर गिवर्स पर डिपेंड करता है कि कितना टाइम उन्हें किन चीज़ों पर स्पेंड करना है। रेजिंग अ स्क्रीन स्मार्ट किड बुक में ऑथर ने एक लिस्ट शेयर करी है जिसमें उन्होंने कुछ ट्रूथ शेयर करे हैं इन जनरल, जो कि एक्सेप्ट करना, उन पर सवाल उठाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सच है, ये आप पढ़ सकते हो। और अगर ज़्यादा स्क्रीन टाइम से लाइफ में चीज़ें बिगड़ रही है तो फिर उसे रेजिस्ट करना सीखना होगा। You have entire large factories of people that are working to addict you to these things and you stand alone. So the modern struggle as an individual is learning how to resist these things in the first place, drawing your own boundaries and there's no one there to help you. और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे मोबाइल में ब्लू लाइट फिल्टर का यूज़ कर सकते हो जिससे आईज पर ज़्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ता। अगर कितना टाइम स्क्रीन पे स्पेंड हो रहा है वो ट्रैक करना है तो आप डिजिटल वेलबीइंग सेटिंग में जाके यहाँ से चेक कर सकते हो। अब वक्त आ गया है कि हम समझें कि स्क्रीन को कैसे रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको कुछ सीखने मिला होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।